ठंड का मौसम। द विंटर वो ठंड का महीना, एक अनोखा महीना। इस महीने में बिस्तर और आपके अंदर एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। इस अटूट बंधन में ना तुम बिस्तर को छोड़ते हो, ना ही बिस्तर तुम्हें छोड़ता है। अजी सुनते हैं, आज मत चाहिए ना, आप चले गए तो मैं अकेले पड़ जाऊंगा। आप मत चाहिए मुझे छोड़ के, मैं अकेले पड़ जाऊंगा। इतना प्यार भाड़ में जाएगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगा कंबल। गलती से तुम अगर सुबह के 6 बजे उठ जाते हो तो फिर इस महीने में पानी तुम्हारा दुश्मन बन जाता है और नहाने के नाम से ही तुम्हें मौत आने लग जाती है। बेटा सूरज नहाने जाओ वरना चप्पल से नहला देंगे। और तुम पानी से कोसों दूर रहते हो, कोसों दूर। अगर गलती से पानी तुम्हारे हाथ के एक बाल पर अगर गिर जाए तो उसी वक्त आत्मा तुम्हारा शरीर छोड़ दे। विंटर ट्रिप। इस महीने में लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं। नया साल आने वाला है और आज है 19 तारीख। हाँ, मैं 19 तारीख में वीडियो बना रहा हूँ। इस महीने में लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं। कोई जा रहा है दार्जिलिंग, कोई जा रहा है शिमला, कोई जा रहा है गैंगटॉक बर्फ देखने के लिए। मेरे पास इतना बजट नहीं है, मेरे पास बस 1, 2, 3, 4 बस इतना ही। इतने में से कौन सा बर्फ आ सकता है? इस महीने का सबसे बढ़िया बात बताओ। अगर किसी से कोई इम्पोर्टेंट बात बुलवाना हो तो बस सामने एक ग्लास पानी रख दो, हक देगा भाई, हक देगा, जितना कुछ है सारा हक देगा। इस महीने में सुबह का धूप बहुत ही आरामदायक होता है और गर्मी के टाइम में सब लोग धूप से भागते फिरते हैं, लेकिन ठंडी के मौसम में तो आज मैं 4 हफ्ते बाद नहाया एक इंसान की तरह। अब तक मैं एक भालू की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन आज मैं इंसान की तरह 4 हफ्ते बाद नहा के आया। पूरा सिस्टम हिल गया भाई, सिस्टम हिल गया। मैं जब छोटा था तब मैं मतलब ठंड के महीने में क्या करता, स्वेटर वेटर पहन लेता और चला जाता कहीं दूर मैदान में। वहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता, वहाँ पर मैं मेरा टीम को लेकर क्रिकेट खेलता, झाल झपटी खेलता, लड़की के साथ वो जो पट्टा पट्टा होता है ना वो भी खेलता। लेकिन आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं?
तू हाथ लगा कर तो देख एक बार, तुझे नीचे से ऊपर तक ना खोल दिया तो कहना। और शाम होते होते कंबल में घुस जाओ, फैमिली के साथ गप्पे लड़ाओ और बिस्तर गर्म करो।